फ्रेंड्स वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या होता है, कुछ यात्री फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा खराब मौसम आने लगता है और पूरा प्लेन थोड़ा डगमगाने लगता है। तो तभी जो पायलट है वो एक अनाउंसमेंट करता है कि आप सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और टाइट होके बैठ जाइए, सावधानी से बैठ जाइए। अब सब लोग घबराने लगते हैं क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है। सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, कोई अपनी जगह से हिलता नहीं है और सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन बहुत डगमगाने लगता है उस टर्बुलेंस के अंदर। तब एक बुजुर्ग देखते हैं कि एक बच्ची जो कि 7-8 साल की है वो म्यूजिक सुन रही होती है, बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत रिलैक्स होती है और खिड़की के बाहर देख रही होती है। तो बुजुर्ग देखते हैं यार शायद बच्ची को इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। अब 15 मिनट के टर्बुलेंस के बाद जब प्लेन बहुत ज्यादा डगमगाता है फिर बिल्कुल स्मूथ लैंड हो जाता है। जब 15 मिनट की टर्बुलेंस के बाद सब ठीक ठाक हो जाता है तो पायलट अनाउंस करता है कि अब आप अपनी सीट बेल्ट ओपन कर सकते हैं और रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो वो बुजुर्ग से रहा नहीं जाता है, वो जाके उस बच्ची को पूछते हैं कि बेटा इतना टर्बुलेंस था, सब लोग घबरा रहे थे, आप इतने शांत क्यों थे? तो दोस्तों वो बच्ची बोलती है, अंकल ये जो प्लेन चला रहे हैं ये मेरे फादर है, मुझे पता है कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कतें हो, वो आप सबको और मुझे कंफर्टेबली घर पे ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, जो परम पिता परमेश्वर है, गॉड है, ये हम सबका फादर है, हम सबका सब कुछ हो रही है। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी ना हमें फेथ रखना पड़ेगा कि इन सारी प्रॉब्लम में से हमें वो निकाल के बाहर ले जाएंगे। कभी घबराना नहीं है, टर्बुलेंस आएंगी, जैसे प्लेन में टर्बुलेंस आती है ऐसे ही जिंदगी में टर्बुलेंस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन एक एक्सपर्ट पायलट जो कई बार रास्तों से गया हुआ है उन सबको निकाल के बाहर ले जाता है। ऐसे जब हमारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, टर्बुलेंस आती हैं, तो हमें फेथ रखना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर पे कि वो हमें सुरक्षित बाहर ले जाएगा। सो कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर, अपने कामों में और उस परम पिता परमेश्वर पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।